क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की आंधी चलेगी या फिर विपक्ष खेल पलट देगा? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हुए सबसे पहले बारीकी से उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को टटोल लेते हैं और करते हैं बात चुनाव की। 80 लोकसभा सीटों वाला ये उत्तर प्रदेश चार जोन में बटा हुआ है, पूर्वांचल, अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड। तो पहले आपको दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों से रूबरू करा देते हैं। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक कहावत है जो आपने भी इससे पहले कई बार सुनी होगी, जिसके जाट उसी के ठाट। जाट जिसकी तरफ हो जाते हैं उसी की माना जाता है सियासत में बल्ले बल्ले हो गई है। और इसका एक कारण ये भी है कि चौधराहट करने वाले जाट समाज के पीछे जो बाकी जातियां होती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर, उनका रुझान क्या होगा ये भी तय हो जाता है। अब जाटलैंड की ताकत क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ, लेकिन सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आगे विपक्ष के कौन कौन से ताकतवर चेहरे हैं ये भी जरा अब आप जान लीजिए। मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, तो जयंत चौधरी जो RLD से ताल्लुक रखते हैं, ये चेहरा आपने इससे पहले पश्चिमी यूपी में कई बार राजनीति के लिहाज से देखा होगा। आप जानिए कि ये वो RLD है जिनके लिए माना जाता है कि इनकी राजनीति जाटों और किसानों के इर्द गिर्द ही हमेशा से रही है। लेकिन PSE यानी कि पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े इसको लेकर क्या कहते हैं, RLD का जाट वोट परसेंटेज खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या रहा है पिछले दो लोकसभा चुनाव में, 2014 में 28 और 2019 में 3%, सिर्फ 3%। अब ये आंकड़े बताते हैं कि RLD का जो कोर वोट बैंक रहा है यानी कि जाट, अब उनसे लगातार खिसकते चले जा रहे हैं, दूरी भी बना चुके हैं। इसका कारण क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दूसरा बड़ा चेहरा अखिलेश यादव जो मुखिया है समाजवादी पार्टी के, चेहरा आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से इससे पहले कई बार देखा होगा। अब खास ये है कि MY से PDA पर अखिलेश यादव खिसक गए हैं। PDA यानी कि पिछड़ा दलित अलायंस, मुस्लिम और दलित की बात इससे पहले वो करते थे, मुस्लिम यादव की बात करते थे। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से मानती रही है कि मुस्लिम और यादव जो है वो उनका परंपरागत वोट बैंक है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है जो लगभग 26% बताई जाती है। अब आप ये भी जानिए कि इन्हीं के बदौलत अखिलेश यादव की राह थोड़ी आसान होती हुई जरूर दिखाई दी है। इसी के लिए PSE के आंकड़े इससे पहले क्या कहते हैं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के 63% मुसलमानों ने 2014 में वोट किया और 2019 में ये कम हो गए, 43% रह गए। लेकिन अब आप यहीं पर रुक जाइए, मैं किसी और चेहरे की बात करूं, क्योंकि अभी समीकरण बदल जाने वाला है। अखिलेश यादव और इससे पहले जिन जयंत चौधरी की मैंने बात की ना, अब इनकी बात पक्की हो गई है। अब ऐसा क्यों है ये भी जरा समझिए। RLD और समाजवादी पार्टी में डील फाइनल हो गई है, ये सबसे बड़ी खबर भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से 12 सीट मांगी, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं थे, लेकिन 7 सीट पर वो राजी हो गए हैं ये भी अब सोर्सेज बता रहे हैं, हालांकि वो कौन सी है ये भी सामने नहीं आया। अब और आसानी से आप इसे समझेंगे तो ज्यादा जाट समुदाय का जहां पर प्रभाव है वो सीट मिल गई है जयंत चौधरी को, और किसने दी है, अखिलेश यादव ने। अब आगे बढ़ते हुए बात मायावती की करते हैं, जो ये फैसला कर चुकी हैं कि वो अब अपने बूते लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, यानी कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। मायावती यानी कि बसपा, जिसका आपने कई बार सुना होगा परंपरागत जो वोट बैंक है वो दलित रहा है, और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े PSE के मुताबिक क्या बताते हैं दलित वोट परसेंटेज मायावती का पहले क्या रहा है, 2014 में आप देखिए 73%, बहुत ज्यादा है। 2019 में थोड़ा कम हुआ 48%, लेकिन ये फिर भी ज्यादा है। अब इसके अलावा देखिए, बताया ये भी जाता है कि मुसलमानों ने भी बसपा का कुछ हद तक साथ दिया है, क्योंकि मुसलमान भी हमने देखा इससे पहले भी कई बार जो बसपा के समर्थन में जाते रहे हैं। 2014 में 24% मुसलमानों ने वोट किया और 2019 में ये आंकड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी 16% मुसलमानों ने बसपा के लिए वोट किया।
अब बात करते हैं सबसे पुरानी पार्टी, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, कांग्रेस की। अभी यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। अब ये गठबंधन कितना मजबूत है इसको एक हालिया घटना से जरा समझिए। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि यूपी में उनकी कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर बात बन गई है। हालांकि कुछ ही देर में यूपी कांग्रेस ने कह दिया कि अभी तो इस मामले में बात ही चल रही है। अब इसीलिए बताया जाता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है। कई नेता जिसमें शामिल है ओपी राजभर भी, वो तो ये तक कह चुके हैं कि आप रुक जाइए, आप देख लीजिएगा ये दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ ही नहीं सकती हैं। अब क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई परंपरागत वोट बैंक नहीं है जैसे बाकी पार्टियों का है, इसीलिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में तो दिखाई देता है। हो सकता है दूसरे राज्यों में इतनी बड़ी चुनौती ना रहे। अब हम बात करते हैं सत्ताधारी और इस वक्त आंकड़ों के लिहाज से सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। और जब मैं आंकड़ों के लिहाज से आपको बता रही हूं कि मजबूत पार्टी है, तो अब आप पीएससी के ये आंकड़े जानकर ये बहुत हैरान हो जाएंगे कि जाटलैंड में जाटों के इर्द गिर्द राजनीति करने वाली पार्टियों को पूरी तरह से धाराशायी किसने किया है पिछले दो बार के चुनाव में, इसी भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी सरकार है मौजूदा वक्त में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अब पीएससी के आंकड़े क्या कहते हैं भाजपा को लेकर ये भी जरा जानिए। 64% जाटों ने वोट किया 2019 का जान के आप बहुत हैरान हो जाएंगे। 91% जाटों ने भाजपा के लिए वोट किया है। ये जाट वोटर्स का वोट प्रतिशत है जो पीएससी के ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं। अब मैंने जाटों की तो बात कर ली, लेकिन सिर्फ जाट ही नहीं है, पिछले दो बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दलितों को भी अपने साथ लाने में बहुत हद तक कामयाब हुई है। और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित जो मायावती का कोर वोट बैंक बताया जाता है, आप देखिए 2014 में दलित वोट करते हैं बीजेपी को 22%, थोड़ा आंकड़ा बढ़ता है 2019 में, हो जाता है 26%। अब कोशिश यही है कि इसे और बढ़ाया जाए। अब इन आंकड़ों के साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पश्चिम में भाजपा की चुनौती अभी भी साफ दिखाई देती है। 2022 का विधानसभा चुनाव याद है आपको, जहां सूत्र बताते हैं कि आखिर तक जयंत चौधरी को साथ लाने की बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे वहां पर जयंत चौधरी का बहुत दबदबा है। अब समीकरण ये कहते हैं कि चाहे 2022 में करिश्माई जीत हुई हो, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो गई हो, लेकिन ये सच है कि सबसे ज्यादा नुकसान भी चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो, दोनों चुनाव में भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए राह उतनी आसान नहीं है जितनी यहां से शायद दिखाई आपको पड़ रही हो। और फिर आपको याद होगा किसान आंदोलन हुआ, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये भी अब जो इस बार के यानी कि 2024 के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगा। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी बात। अब चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पूर्वांचल की। सियासत में कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो यूपी का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है। अब सबसे बड़ा उदाहरण है नरेंद्र मोदी, जो खुद इसी पूर्वांचल के वाराणसी से सांसद हैं, और योगी आदित्यनाथ जिनका गढ़ गोरखपुर इसी पूर्वांचल में है, इसीलिए बीजेपी के दिग्गजों की भी साख दांव पर होगी। अब 26 सीटों वाली पूर्वांचल के लिए पीएम और सीएम की साख दांव पर है जैसा मैंने आपको बताया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के लिए प्लान भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और सबसे पहले तैयार हुआ है। एनडीए का वोट परसेंटेज 50% के पार ये पहुंचाना है, इस पर जोर है, प्रधानमंत्री खुद ये कह चुके हैं। पूर्वांचल की 26 में से 16 सीटों पर बीजेपी ने जो सियासी नफा नुकसान है उसे भांप लिया है, और इसी को देखकर ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल करने का ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, और ये मानते हैं सियासी जानकार कि आने वाले समय में बहुत फायदेमंद होगा। अब भाजपा के सामने यहाँ मुकाबले में डटे बाकी सियासतदानों की भी बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से ही है, और ये नाम है अखिलेश यादव का। दो
2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सुभा सपा ने चुनाव लड़ा था। 2022 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। अब इसी पूर्वांचल को जीतने के लिए ओबीसी फैक्टर को साधना सबसे जरूरी है। इसी ओबीसी में 30% यादव है और 20% कुर्मी समुदाय के वोटर्स बताए जाते हैं। और इसी ओबीसी की जिसकी कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, इसमें आप देखिए निषाद बताए जाते हैं जो बड़ा प्रभाव डालते हैं। निषाद के बाद कुशवाहा समाज का भी बहुत ख्याल रखा जाना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, राजभर भी, और फिर नोनिया समुदाय जो होता है उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। अब देखिए पूर्वांचल के कई जिलों में मुस्लिम वोटर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, ये माना जाता है। अब ऐसे में चूंकि यादव और मुस्लिम जो है वो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है, अब इसी में कोई दूसरी कुर्मी या फिर कोई अन्य प्रभावी जाति अगर जुड़ जाती है तो फिर आप सोचिए कि राजनीतिक रूप से जीत का आधार वो बन जाएगा। लेकिन हाँ, ओम प्रकाश के छिटकने से अब समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। फिर भी नतीजों का इंतजार यहां पर जरूर करना होगा। अखिलेश यादव के बाद अब बात करते हैं बसपा की। बसपा यानी कि मायावती जो अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ आगे तो बढ़ रही हैं, वो भी अकेले, लेकिन मायावती आगामी चुनाव के बीच अपनी पार्टी से जुड़े हुए हर व्यक्ति को साम दाम दंड भेद से दूर रहने की भी नसीहत दे चुकी हैं। बसपा के बाद दूसरी चुनौती ये भी है क्योंकि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में और मुख्य भूमिका में भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये चुनाव में कितना काम आएगा ये वक्त बताएगा। इसीलिए ये दाव कितना सही साबित हुआ है ये भी चुनाव के जो नतीजे होंगे वही साफ कर पाएंगे। अब बात करते हैं अवध की। अब हाल अवध का सिर्फ राममय है। यूं तो पूरा देश ही श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन चूंकि अयोध्या इसी अवध रीजन का हिस्सा है तो यहां तो भाजपा क्लीन स्वीप के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, आप मान जाइए। अब राम मंदिर की भव्यता को 2024 के चुनाव से पहले घर घर तक पहुंचाने का भी प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। और वो कैसे किया है, इसके लिए हर गांव से लोगों को 24 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है जो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर अब सामने आएगा। तो यहां से जो चुनावी एजेंडा सेट होता हुआ दिखाई दिया है उसका तोड़ ढूंढ पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा साबित होता है। अब बात करते हैं कानपुर बुंदेलखंड की। 2024 में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में विपक्ष को रोकने का चक्रव्यूह अभी से रच दिया गया है। 2014 में कानपुर बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर भाजपा ने कमल खिला दिया था। मुलायम सिंह यादव के प्रभाव वाली जो कन्नौज सीट है यहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ही अपनी सिर्फ सीट बचा पाई थी, बाकी सारे मोदी की आंधी में उस वक्त फुर्र हो गए थे। अब देखिए बुंदेलखंड की सियासी जमीन समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बंजर बन चुकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सिर्फ बुंदेलखंड की एक भी लोकसभा सीट को बचा नहीं पाए, जीत नहीं पाए हैं, और बीजेपी का पूरी तरह से यहां पर दबदबा कायम दिखाई देता है, खासतौर पर बुंदेलखंड में। हालांकि भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले विपक्ष का एक संयुक्त प्रत्याशी उतारने की कवायद भी यहां पर की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा को साथ लिए बगैर विपक्षी एकता की बात ज्यादा प्रभावी नहीं दिखाई देती। लेकिन मायावती है कि एकला चलो के राह पर अब निकल पड़ी हैं और इसीलिए इंतजार करना होगा कि क्या ये सही साबित होता है। लेकिन ये तो तय है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 2024 की सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है ताकि अपने सियासी किले को वो और दुरुस्त कर सके, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो बार बार नई रणनीति से भाजपा का मुकाबला करने को तैयार दिखाई देती हैं, और उसी का एक बड़ा उदाहरण है इंडिया अलायंस। लेकिन ये नतीजे तय करेंगे कि किसका सपना होगा साकार और किसे करना होगा थोड़ा सा यानी कि 5 साल का और इंतजार। और इन्हीं नतीजों तक अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी। अब आपने याद कर लिया है ना किसमें, बात चुनाव की। जी हाँ, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।